हेलो गाइस, अगर आप 2024 में कोई अच्छा सा सोंडवार परचेस का प्लान कर रहे हैं लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सा सोंडवार परचेस करूं, तो आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपकी आज हेल्प करने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन यहां पर कुछ ही ऐसे सोंडवार हैं जो अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी वाटेज के साथ आपको कम प्राइस में देखने को मिलते हैं। यहां पर जो मैं यूज करता हूं वो बोट कंपनी का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और मैं आज बात करने वाला हूं, ये जो मॉडल नंबर है गोवो गोट, ये 200 वाट का सोंडवार है जो कि काफ़ी अच्छा सोंडवार है। ये कम प्राइस में अच्छी वाटेज यहाँ पर हमें प्रोवाइड कराता है और अच्छी साउंड क्वालिटी भी हमें यहाँ पर निकाल के देता है। यहाँ पर बात करूँ इसकी डिजाइन और लुक की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रीमियम के साथ अच्छा आपको देखने को मिलता है। और ये जो है बहुत ही अच्छा सोंडवार है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सोंडवार की, तो यहाँ पर आपको उच्च स्पीकर देखने को मिलते हैं जो कि है यहाँ पर 2.25 इंचेस के, और काफ़ी अच्छी क्रिस्टल और क्लियर साउंड यहाँ पर निकाल के देते हैं आपको। ये जो है आप इसको सिनेमा हॉल की तरह भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सोंडवार है इसमें आपको एक डायनेमिक लाइट भी देखने को मिलती है सबवूफर की, तो सबवूफर भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। सबवूफर में आपको 6.5 इंच का यहाँ पर बेस देखने को मिलता है जो कि डीप बेस के साथ काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकालता है। और अगर आप सबवूफर कभी भी यूज करते हैं तो अपने हमेशा कोने में रखकर हमेशा वो सोंडवार को यूज कीजिएगा, जिससे कि जो बेस है और ज़्यादा डीप निकल के आएगी। लेकिन ये जो सबवूफर है वो वायर के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि हमारे सबवूफर सोंडवार के साथ, ये जो सबवूफर है वो हमारे वायर के साथ कनेक्ट होता है। अगर आप थोड़े और अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वायरलेस यहाँ पर सोंडवार देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ लेटेस्ट जो वर्जन है 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। वही आपको हर एक सोंडवार में, सबवूफर में, होम थिएटर में जो एक रेंज मिलती है 10 मीटर्स की, सो इसमें भी आपको देखने को मिलती है। मोबाइल को आप 10 मीटर की रेंज में रखेंगे तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी, और अगर उससे बाहर जाएंगे तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि जो आवाज़ है कभी बंद हो जाएगी कभी चालू हो जाएगी, तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ रहने वाली है। तो कोशिश करिए कि जो आपके 10 मीटर के दायरे में रख के इसको आप प्ले कीजिएगा। और इस सोंडवार में आपको 4 इक्वलाइजर मोड देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल डेडिकेटेड अलग से आपको देखने को मिलते हैं। जब आप कभी म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक का जो है आपको अलग से एक डेडिकेटेड बटन मिलेगा, न्यूज का अलग मिलेगा, और यहाँ पर 3D का भी एक ऑप्शन है जो कि जो है आपकी आवाज़ को 3D में कन्वर्ट कर देता है, और चौथा जो है वो मूवी के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 4 इक्वलाइजर जो मोड हैं, आप 4 तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जब मूवी देखेंगे तो मूवी आप सेट कर सकते हैं, न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज, और म्यूजिक के लिए तो अलग से दिया ही गया है। और गाइस, यहाँ पर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर आप वो सारे प्रोडक्ट जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं आप इसमें आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, साथ में ऑक्स केबल और HDMI केबल का भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप इसमें अलग से मेमोरी कार्ड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई स्लॉट नहीं दिया गया है मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने का। जो मैं आपको साउंडवार बता रहा हूँ ये काफ़ी डिमांडेबल साउंडवार है, जो कि मैंने ऑनलाइन इसके जो चेक किए हैं रिव्यू, काफ़ी अच्छे लोगों के रिव्यू यहाँ पर निकल के आए हैं। इस बजट में आपको ये 200 वाट का साउंडवार देखने को मिलता है। आई होप कि ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं साउंड एंड टेक्स रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।